Assalamu alaikum prep class. I hope you are all fine and doing good. So prep class, as you see on my board, our today's topic is money to 20. Aaj hamara topic hai money to 20. Today we will learn how can we use 1 paisa, 2 paisa, 5 paisa and 10 paisa coins for buying anything. Hum kisi cheez ko khareedne mein 1 paisa, 2 paisa, 5 पैसा और 10 पैसा के कॉइन्स को कैसे यूज कर सकते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट द डेट फर्स्ट. सो टुडे इज 21 जनवरी 2021. टुडे इज 21 जनवरी 2021 एंड द डे इज थर्सडे. टुडे इज थर्सडे. सो प्रेप क्लास, वी वांट टू बाय दिस पैक ऑफ बटन्स एंड द कॉस्ट ऑफ दिस पैक इज 17 पैसास. हम इस बटन के पैक को खरीदना चाहते हैं और इसकी प्राइस कितनी है? 17 पैसा. एंड वी हैव 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा एंड 10 पैसास कॉइन्स. सो वी कैन बाय द पैक ऑफ बटन्स विद द हेल्प ऑफ दीज कॉइन्स. हम क्या करेंगे? हम वो बटन का पैक परचेज करने के लिए इन कॉइन्स को यूज़ करेंगे. सो द टोटल अमाउंट इज 17 पैसा. नाउ वी विल सर्च विच इज़ द बिगेस्ट कॉइन वी हैव. अब हम देखेंगे कि अब हमारे पास सबसे बड़ा कॉइन कौन सा है. जी मुझे बताएं, इनमें से सबसे बड़ा कॉइन हमारे पास कौन सा है? क्या 1 सबसे बड़ा है या फिर 2 या फिर 5 पैसा सबसे बड़ा है? वेरी गुड, हमारे पास सबसे बड़ा कॉइन कौन सा है? 10 पैसा का. नाउ वी कैन यूज 10 पैसा फॉर बाइंग दिस पैक ऑफ बटन. बट अभी भी कुछ पैसा रहते हैं. कितनी कॉस्ट बाकी रह गई है अब हमारी? 17 माइनस 10 करें जल्दी से और मुझे बताएं कितनी कॉस्ट बाकी रह गई है. वी कैन ड्रॉ 17 लाइन्स ऑन द बोर्ड. नाउ व्हाट विल बी डू? अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि इन 17 लाइन्स में से 10 लाइन्स को क्रॉस कर देंगे. हाउ मैनी लेफ्ट? अब कितनी लाइन्स बाकी रह गई? लेट्स काउंट इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17 में से जब हम 10 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितनी लाइन्स कितनी अमाउंट बाकी रह जाती है? कितने नंबर्स बाकी रह जाते हैं? 7. सो वी नीड 7 पैसास मोर फॉर बाइंग दिस पैक ऑफ बटन्स. अब हमें 7 पैसास की और ज़रूरत है इस बटन्स के पैक को परचेज करने के लिए. अब हमारे पास कॉइन्स हैं 1 पैसा, 2 पैसा एंड 5 पैसा. अब हम क्या करेंगे? फिर देखेंगे इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा कॉइन कौन सा है. सो हमारे पास इस टाइम सबसे बड़ा कॉइन कौन सा है? 5 पैसा. सो वी विल यूज़ 5 पैसा. अब हम इस्तेमाल करेंगे 5 पैसा को. सो प्रेप क्लास, 10 प्लस 5 कितने होते हैं? 10 में 5 को ऐड करें जल्दी से. 10 इज इन अवर माइंड एंड 5 इज ऑन अवर फिंगर्स. लेट्स काउंट इट. 10 के आगे 5 तक काउंट करें. 6, 11, 12, 13, 14 एंड 15. 11, 12, 13, 14 एंड 15. सो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15. ओहो, ये तो 15 पैसा हो गए, बट हमें तो बटन का पैक परचेज करने के लिए 17 पैसा चाहिए. सो हाउ मैनी लेफ्ट? सो वी विल ड्रॉ अगेन 17 लाइन्स एंड क्रॉस देम 15. और हम इसमें से कितनी क्रॉस कर देंगे? 15. सो हाउ मैनी लाइन्स लेफ्ट? ओनली 2 लाइन्स आर लेफ्ट. ठीक है, 17 माइनस 15 इज इक्वल टू. सो इट्स मीन कि हमारे पास ओनली 2 पैसा बाकी हैं अपना
बटन का पैक परचेज करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अपने 2 पैसा के कॉइन को उसमें ऐड कर देंगे। सो प्रेप क्लास, दिस इज हाउ वी कैन ऐड अवर कॉइन्स फॉर बाइंग दिस पैक ऑफ बटन। हमने सबसे पहले 10 पैसा के कॉइन को ऐड किया, उसके बाद हमने 5 पैसा के कॉइन को ऐड किया। जब 10 पैसा और 5 पैसा के कॉइन को आपस में प्लस किया तो हमारे पास अमाउंट हो गई 15 पैसा। तो अब हमने 15 पैसा में और 2 पैसा को ऐड किया तो हमारे पास कितनी अमाउंट हो गई, 17 पैसा। जब हमारे पास 17 पैसे पूरे हो गए तो हम इस बटन के पैक को परचेज करने के काबिल हो सके। नाउ वी वॉन्ट टू बाय दिस पैक ऑफ नीडल्स एंड द कॉस्ट ऑफ दिस पैक इज़ 18 पैसा। हम एक नीडल्स का पैक ख़रीदना चाहते हैं और इस नीडल के पैक की प्राइस कितनी है, 18 पैसा। सो वी हैव 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स। हमारे पास इस टाइम अवेलेबल हैं 1 पैसा का कॉइन, 2 पैसा का, 5 पैसा का और 10 पैसा का। तो हमने इन कॉइन्स की हेल्प से 18 पैसा की वो नीडल का पैक परचेज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी कैन यूज द बिगेस्ट कॉइन, वी कैन यूज द बिगेस्ट कॉइन। हम सबसे पहले अपने बड़े बड़े नंबर का कॉइन को लेंगे। कौन सा है बड़े नंबर का कॉइन, वेरी गुड। हमारे पास इस टाइम सबसे बड़ा कॉइन है 10 पैसा का। सो प्रेप क्लास, हाउ मेनी पैसा आर लेफ्ट, अब कितने पैसा रह गए हमें हमारे पास। हमने 18 पैसा में से 10 पैसा को ऐड कर लिया है, अब हमने 18 पैसा में से 10 को ऐड कर लिया तो कितने पैसा हमारे पास रह गए बाकी, वेरी गुड, हमारे पास रह गए 8 पैसा। सो इफ वी ऐड 5 पैसा इन 10 पैसा देन द अमाउंट विल बी 15 पैसा। हमने एक 10 पैसा का कॉइन और एक 5 पैसा का कॉइन ऐड किया तो 15 पैसा हो गए। हाउ मैनी लेफ्ट, नाउ वी आर गोइंग टू एड 2 पैसा इन टू 15 पैसा देन द अमाउंट विल बी 17 पैसा। अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 10 पैसे का कॉइन लिया, उसके बाद हमने 5 पैसा का कॉइन लिया। हमने 10 और 5 पैसे को ऐड किया तो कितने हो गए हमारे पास, 15 पैसा। उस 15 पैसा में हमने 2 पैसे का कॉइन और ऐड किया तो हमारे पास कितने पैसा हो गए, 17 पैसा। तो अभी भी हमारे पास अमाउंट कंप्लीट नहीं है अपनी ये नीडल्स का पैक परचेज करने के लिए। हाउ मेनी पैसा लेफ्ट, अब हमें कितने पैसे और ऐड करने हैं, वेरी गुड, ओनली 1 पैसा। सो दिस इज हाउ वी कैन परचेज अवर दिस पैक ऑफ नीडल्स। द कॉस्ट ऑफ नीडल्स इज 18 पैसा। फॉर बाइंग दिस पैक ऑफ नीडल सबसे पहले हमने 10 पैसा ऐड किए, 10 पैसा में हमने कितने पैसा ऐड किए, 5 पैसा। 10 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के आगे 5 तक काउंट करें मेरे साथ, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है 15 पैसे तक हो गए। देन हमने उन 15 पैसे के अंदर 2 पैसे को ऐड किया, 15 के आगे 2 पैसे मेरे साथ मिलके काउंट करें, 16, 17। देन हमने इसमें 1 पैसा ऐड किया, अब मेरे साथ 17 के आगे 1 पैसा तक काउंट करें, 18। सो द टोटल प्राइस इज ऑल्सो 18। नाउ वी वॉन्ट टू बाय दिस रिंग, अब हम ये रिंग खरीदना चाहते हैं एंड द प्राइस ऑफ द रिंग इज 20 पैसा। हम ये एक रिंग खरीदना चाहते हैं और इसकी प्राइस है 20 पैसा।
देन व्हाट विल बी डू? नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 10 पैसा एंड 10 पैसा. अब हम क्या करेंगे, 10 पैसा और 10 पैसा को ऐड करेंगे. देन द अमाउंट विल बी 20 पैसा. हम 10 पैसा को और 10 पैसा को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 20. क्योंकि जब हम 10 में 10 को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितने नंबर, कितना टोटल आता है, 20 का. वी कैन यूज ओनली 2 कॉइन्स फॉर बाइंग दिस रिंग. हम इस रिंग को खरीदने के लिए ओनली 2 कॉइन्स को यूज कर सकते हैं और उन कॉइन्स की प्राइस होगी पैसा उन प्राइस और वो दोनों कॉइन्स 10 पैसा के होंगे. 10 + 10 = 20. सो दिस इज़ हाउ वी कैन बाय दिस रिंग. हम 10 में 10 पैसा से कॉइन को और ऐड करके ये रिंग बाय कर सकते हैं. सो प्रेप क्लास, इसी तरह आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 15 सॉल्व कर सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.